गुड मॉर्निंग क्वींस, सुप्रभात। कैसी है मेरी क्वींस? आई होप क्वींस की नवरात्रि, हर बीतते हुए नवरात्रि के साथ मेरी क्वींस मैं कौन हूं क्वेश्चन के आंसर के और भी ज्यादा करीब पहुंचती चली जा रही होंगी। मेरी क्वींस अब ये जान चुकी हैं कि हम केवल वो विभिन्न रोल्स नहीं हैं जो हम हर समय अदा करते चले जाते हैं, बल्कि हम उससे भी कई ज्यादा, कई गहरे अपने अस्तित्व, अपने असल पूर्णता को हासिल करने में पूरी योग्यता रखते हैं अपने आप में। क्वींस, आज है चौथा नवरात्रा। चौथा नवरात्रा होता है मां कूष्मांडा का। मां कूष्मांडा, जैसे कि इनका नाम है, ऐसी मान्यता है कि मां सूर्य मंडल के भी अंदर के तपते हुए ग्रह में अपना निवास स्थान रखती हैं। साथ ही साथ मां को अष्टभुजा देवी भी कहा गया है, क्योंकि इनकी आठ भुजाएं हैं। हर भुजा में मां कुछ अलग अलग तरीके की चीजें होल्ड करती है, पकड़ती हैं। जैसे कि एक भुजा में मां धनुष बाण पकड़ती हैं, तो दूसरी भुजा में मां कमल पुष्प पकड़ती हैं। एक भुजा में अमृत से भरा हुआ कलश पकड़ती हैं, तो दूसरी भुजा में गदा पकड़ती हैं। एक में चक्र पकड़ती हैं, तो दूसरी भुजा में सर्व सिद्धि पाने वाली माला पकड़ती हैं। ऐसी है हमारी अष्टभुजा मां या कूष्मांडा मां। कूष्मांडा मां के लिए एक बहुत बड़ी कहानी फेमस है क्वींस, कि जब इस धरती पर कुछ भी नहीं था, ब्रह्मांड नहीं था, पेड़ पौधे नहीं थे, हवा नहीं थी, जीव जंतु नहीं थे, तब कूष्मांडा मां ने अपने तप से, अपनी शक्ति से, क्योंकि इन्हें आदि शक्ति का नाम भी दिया गया है, उससे इन सभी ग्रहों का, इन स्पेशली धरती का और धरती पर रह रहे सभी जीव जंतुओं का निर्माण किया था मां ने। कूष्मांडा मां से हम कैसे अपने आप को और जान सकते हैं, कैसे अपने अंदर कूष्मांडा मां के भाव को जागृत करके अपने जीवन के, अपने अस्तित्व के और करीब जा सकते हैं। जिस प्रकार क्वींस, कूष्मांडा मां सूर्य मंडल के भी अंदर स्थित ग्रह में रहती हैं, बिल्कुल वैसे ही मेरी क्वींस का जीवन भी किसी सूर्य मंडल से कम नहीं। हमारे जीवन में प्राय आने वाली परेशानियां, उतार चढ़ाव हमें बिल्कुल उसी तरह के तप का निर्माण करके देते हैं जिस तरह का तप सूर्य मंडल के अंदर है। उसी तरह की गर्मी में तपती हैं मेरी क्वींस, हम सभी तपते हैं। हर परेशानी के साथ, हम उस तपत के साथ हमारे अंदर एक नई शक्ति, एक नई ऊर्जा का निर्माण होता है क्वींस, जो ऊर्जा हमारे सुंदर संसार का निर्माण करती है। हर अनुभव, हर एक्सपीरियंस, हर सीख, हर सहन शक्ति का जब हम अंदर से हम उसको उत्पन्न करते हैं, हर परिस्थिति को बदलने की शक्ति को जब हम अंदर से उत्पन्न करते हैं, हर नकारात्मक विचार को जब हम सकारात्मक विचार से बदल देते हैं, तब अंदर से जो शक्ति आती है वो हमारे जीवन का निर्माण करती है। हर रोज प्रतिदिन यही शक्ति तुम्हारे हर दिन के नए जीवन का निर्माण करती है क्वींस। जिस तरह मां के आठ भुजाएं हैं, मां ने मल्टीटास्किंग का एक बहुत बेहतरीन उदाहरण दिया है। हमारे अंदर भी मल्टीटास्क करने की हर सूक्ष्म एबिलिटी, हर सूक्ष्म क्षमता है क्वींस। जहां मेरी एक क्वीन एक परिस्थिति को एक गदा से या धनुष बाण से सामना कर सकती है, यानी कि उस परिस्थिति को चेंज कर सकती है, वही मेरी क्वीन दूसरी ओर हर विष, यानी कि हर बोले हुए अपशब्द, हर नीचे दिखाने वाले इंसल्ट, हर बुरे परिणाम को भी अच्छे परिणाम, यानी कि उसमें से अमृत निकाल लेने की शक्ति रखती है। उसमें से हर बेहतरीन लेसन निकालते हुए हंसते हंसते अपने सुंदर जीवन का निर्माण करने की शक्ति रखती है। और इन सभी के बीच मेरी सभी क्वींस के पास होती है सर्व सिद्धि वाली माला, यानी कि आध्यात्म। मेरी हर एक क्वीन आध्यात्म से जुड़कर अपने आप को परिपूर्ण कर सकती है, ये कहती है मां कूष्मांडा अपने हर एक कहानी में, अपने हर एक शब्द में। उनके अंदर छिपी है आदि शक्ति, उनके अंदर छिपी है क्षमताएं, असीम शक्तियां,
अपने जीवन को अपने तरीके से निर्माण करने की शक्ति, अपने तरीके से नियमित करने की शक्ति छिपी है हम सभी के अंदर, क्योंकि हम सभी में छिपी है मां कूष्मांडा। अष्टभुजाओं वाली तुम हो मेरी क्वीन और कोई नहीं। तुम्हें पता है कि किस परिस्थिति को कैसे हैंडल करना है, तुम जानती हो, क्योंकि तुम हो उस परिस्थिति में, मैं नहीं, कोई और नहीं। इसीलिए दूसरों से मदद मांगना अब बंद करना होगा हमें। ठीक है, मदद मांगो एक सीमित सीमा तक, एक नियमित समय तक, लेकिन तुम जानती हो कि तुम किस कदर एक परिस्थिति के अंदर फंसी हो, उसका संपूर्ण तरीके से जो सॉल्यूशन है, उस परिस्थिति से निकलने का रास्ता तुम्हारे अंदर ही छुपा है, क्योंकि तुम तपत पा रही हो उस सिचुएशन की, तुम उस सिचुएशन की गर्मी में हो, और उस तपत से जो जनरेट होगी शक्ति, वही तुम्हें रास्ता दिखाएगी। इसीलिए मां कूष्मांडा का रूप अपने अंदर उजागर करो मेरी प्यारी। जिस प्रकार मां कूष्मांडा जानती हैं कि सहन शक्ति की शक्ति और परिस्थिति बदलने की शक्ति आपस में किस प्रकार बैलेंस करी जानी चाहिए, बिल्कुल वैसे ही तुम भी जानती हो कि किस परिस्थिति को कहां तक सहन शक्ति से पहले हैंडल किया जाए और फिर उस पर धनुष बाण या गदा चलाकर कैसे उसे परिवर्तित किया जाए अपने फेवर में, तुम जानती हो। समय भी तुम लागू करोगी, शक्ति भी तुम लागू करोगी, क्योंकि सब कुछ है तुम्हारे पास, तुम परिपूर्ण हो, तुम संपूर्ण हो, तुम्हारे अंदर है मां कूष्मांडा का निवास स्थान। तुम पा रही हो तपत, तुम पा रही हो शक्ति हर घड़ी हर पल मेरी प्यारी। आई लव यू ऑल। जल्द से जल्द हर बीतते नवरात्रि के साथ अपने अंदर एक नया पन उजागर करो, एक नवीनता हासिल करो मेरी क्वींस। जान जाओ कि तुम कौन हो असल में, जान जाओ कि कोई भी क्वीन असहाय नहीं है, हर एक के अंदर है क्षमता, हर एक के अंदर है शक्ति। आई लव यू। अपना ध्यान रखना और हर बीतते नवरात्रि के साथ अपने आप को और उजागर करना। बाय।